नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिसने कांग्रेस के दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। सिद्धू का अपने पद से इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब हाल ही में राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा पेश किया है। इसकी एक कॉपी सिद्धू ने अपने ट्विटर पर भी साझा की है। हालांकि सिद्धू के इस्तीफे के पीछे कई वजह बताई जा रही है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि वो पंजाब के सीएम बनना चाहते थे लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद उनको उम्मीद थी लेकिन उनकी उम्मीद टूट गई। वहीं अब कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी को सीएम बना दिया है। नाराजगी का दूसरा कारण मंत्रिमंडल में उनके पसंद के नेताओं को नहीं चुना जाना भी बताया जा रहा है। दरअसल नए सीएम के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सिद्धू नाराज चल रहे थे, खासकर गृह मंत्रालय को लेकर। सुखजिंदर सिंह रंधावा को वो नहीं चाहते थे कि वो गृह मंत्री बने। तमाम गहमा गहमी के बीच की बड़ी खबर सामने आई कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि जब सियासी गलियारों में खबर आ रही थी कि कांग्रेस अमरिंदर बनाम सिद्धू में सिद्धू का पक्ष ले रही है तो सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसे में खबरों के बीच अब इस्तीफा देना वाकई एक बड़ी बात है। वैसे सिद्धू का यह इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज शाम को वो अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इससे सियासी मायने आप समझ ही गए होंगे। दबी जुबान में बात अब ये हो रही है कि अमरिंदर सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, मतलब कांग्रेस के लिए एक साथ दो बड़ी झटका देने वाली खबरें सामने आई हैं। सिद्धू ने साफ कहा है कि कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा लेकिन मुझे लगता है कि समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। पंजाब में मचे इस सियासी भूचाल को कांग्रेस कैसे सुलझाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाले दिनों में अब सिद्धू क्या गेम प्लान कर रहे हैं इसको लेकर कांग्रेस की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। आपको इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।